नमस्कार, मैं हूं नव्या। आइए बात करते हैं बॉलीवुड की। बॉलीवुड एक्ट्रेस जिया खान ने साल 2013 की 3 जून को अपने फ्लैट में सुसाइड कर लिया। इसके बाद एक्ट्रेस के घर पर 6 पन्नों का सुसाइड नोट भी पाया गया। उस नोट के मुताबिक एक्ट्रेस को उनके बॉयफ्रेंड सूरज पंचोली ने आत्महत्या के लिए उकसाया था। वहीं इन सभी आरोपों के मामले में 20 अप्रैल को सुनवाई हुई थी। हालांकि उस दौरान फैसला सुरक्षित कर लिया गया था, लेकिन अब इस मामले में 28 अप्रैल को आखिरी फैसला आना है, यानी कि आज। इसी को लेकर सूरज की मां जरीना वहाब काफी चिंतित हैं। जैसे कि 28 अप्रैल को आखिरी फैसला आना है, उससे पहले एक्टर सूरज पंचोली की मां काफी ज्यादा परेशान है। उन्होंने कहा है कि हमने फैसले के लिए 10 साल तक इंतजार किया, यह हमारे बेटे के लिए नरक रहा है। इस पूरे समय में हमें विश्वास है कि जुडिशरी हमारे बेटे के साथ न्याय जरूर करेगी। जरीना ने भावुक होते हुए कहा है कि जब मेरा बेटा मुझे देखता है तो मैं उसका दर्द महसूस कर सकती हूँ। मैं उसकी आंखों में नहीं देख पा रही हूँ, हम एक दूसरे से ज्यादा कुछ नहीं कहते। मैं महसूस कर सकती हूँ कि वो किस दौर से गुजर रहा है और मैं बिल्कुल असहाय महसूस कर रही हूँ। मैं उसे कुछ कह नहीं सकती। मैं जानती हूँ कि मेरा बेटा बेकसूर है, 10 साल लग गए हैं, लेकिन मुझे ऊपर वाले पर पूरा भरोसा है। अब देखना ये होगा कि कोर्ट का क्या फैसला आता है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।